मटन सबात लैम्ब सबात फुल तंदूर। गोवर्मा जो है वो एक मीट की डिश है। आई थिंक दिस इज लैम्ब। ये भाई लेके बैठे हुए थे तलवारें, हम लेके आ गए बंदूक। और ये जो ट्रेडिशनल डिश है क्यू क्यू, सो वेजिटेरियन डिश। चले टिकट लेके इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है पूरे सिटी का। हम जा रहे हैं अभी रॉयल सूट का जो है ना विज़िट करने के लिए, जिसकी पर नाइट प्राइस है 11,000 यूरो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाकू में अपने होटल हयात रीजेंसी के अंदर। और आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन होने वाला है क्योंकि हमारी टीम अभी आने वाली है। आज हम ओल्ड टाउन जाएंगे, वहां पे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करेंगे, पूरा ओल्ड टाउन घूमेंगे। वहां से एक टावर है, वहां से बहुत ज़बरदस्त सा व्यू आता है, वो चेक करेंगे। खूबसूरत सी जगह पे लंच करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कुछ म्यूज़ियम्स वगैरह देखने के लिए। यहाँ पर एक फायर टेम्पल है, उसको विज़िट करेंगे। और जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं यहाँ की, फ्लेम टावर्स, उसको भी हम विज़िट करेंगे। वहाँ पर एक फेयरमॉन्ट होटल है, उसका इंस्पेक्शन करेंगे। रात में डिनर करेंगे हम कारवान सराय पे। एक भी हमारी टीम भी आने वाली है, हमारे दोस्त भी ज़रा नीचे हैं। और यहाँ से आप ये व्यू चेक करें गैलरी से, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़्यादा देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और बाकू घूमते हैं। तो फिर चलें। ओह हो 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 भाई, सर्दी आके पता लगी है बाहर। हम यहाँ ओल्ड टाउन में आ गए हैं भाई, और ओल्ड टाउन में यहाँ से हमें ड्रॉप कर दिया है इन्होंने। सामने वहाँ पे जो है ना वो फ्लैग पोल नज़र आ रहा है, उसके पीछे समंदर भी है। और यहाँ से हम बाय वॉक जाएंगे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहीं से जो है ना वो हमें नज़र आ रही है ये ओल्ड बिल्डिंग्स। इज दिस द फोर्ट वॉल? 12th century फोर्ट वॉल। भाई सर्दी बहुत हो रही है, मैं तो टोपा लगा रहा हूँ। ओह अब सुकून मिला। जमील इज़ अवर सुपर गाइड, ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ अज़रबैजान। 12th सेंचुरी फोर्ट हमारे सामने है भाई। ये जो हम ओल्ड अंतालिया में गए थे, हमने वहाँ पे भी खाना खाया था, सिमिलर बिल्कुल आर्किटेक्चर, सिमिलर स्ट्रीट्स जो है ना वो अंतालिया की तरह यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही हैं। और उसी तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। आर्ट क्लब, लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे आके लग रहा है ऐसा कि आप जो है ना वो वाकई किसी आर्ट गैलरी के अंदर आ गए। सारे यहाँ पे आर्ट पीसेज हैं, लैम्प्स भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, स्कल्पचर्स भी हैं। तो जैसा नाम है वैसे ही एम्बियंस भी है पूरे रेस्टोरेंट का। ब्रेकफास्ट हमारा आ रहा है भाई, लेकिन जब तक ब्रेकफास्ट आता है उससे पहले ज़रा ये टी हम ट्राई कर लें अज़रबैजान की। ओके भाई, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, अज़रबैजान का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये चॉकलेट है, कंडेंस्ड मिल्क है, हनी है, योगर्ट है, क्रीम है, और ये अज़रबैजान ट्रेडिशनल चीज़ है। और इसके अलावा स्क्रैम्बल्ड एग है विद टोमेटोज़। और ये एक डिश है जिसका नाम है क्यू क्यू। होता ये जिस तरह टर्किश ब्रेकफास्ट होता है कि ब्रेड होती है, और ब्रेड के साथ आप जो इन्होंने टॉपिंग्स दी हुई हैं उनको आप लगाते जाते हैं और खाते जाते हैं। एवरी थिंग इज़ सो फ्रेश। एंड लैला जस्ट टोल्ड मी दैट द ट्रेडिशनल वे टू ईट दिस स्क्रैम्बल्ड एग इज़ जस्ट पुट दिस ब्रेड इनटू द पॉट एंड मेक अ बाइट। दिस इज़ हाउ लोकल्स ईट इट, राइट? ओके, अमेजिंग। और ये कुछ हलाल सॉसेज एंड मीट भी हमारे पास आया है भाई। देर आर सो मैनी फ्लेवर्स। जिस भी चीज़ के साथ आप ब्रेड ट्राई करते हैं एक नया फ्लेवर आता है। एंड एवरी थिंग इज़ सो फ्रेश एंड अमेजिंग। और ये जो ट्रेडिशनल डिश है क्यू क्यू, ट्राई इट, इट्स अ वेजिटेरियन डिश। चेक करते हैं। ना ये आमलेट है, ना ये स्क्रैम्बल्ड एग की तरह है, ना ये किसी और चीज़ की तरह है। और काफ़ी सारी इसके अंदर हर्ब्स एंड जो लीव्स हैं डिफरेंट तरह की वो हैं, एग के साथ मिक्स करके बहुत ही मज़ा दे रहा है।
Yeah, Laila just told me that this is not scrambled egg. This is tamidor yumurta. And thank you for helping me with the camera. You're welcome. Very nice. Amazing food, amazing ambience. We are going on a walking tour. We are walking in the old city. We're going to see Maidin Tower, some caravanserais, madrasas, and the royal palace. Chale! Chale! Yeah, the traditional shops too. Made here, boy. This is Azerbaijan's cap. Ah, boy. Chale! Waalaikum assalam. How are you? Breakfast here, boy. Is happening. Very beautiful. ये जो फ्लेम बना हुआ है कारपेट के ऊपर, ये जो पैटर्न बना हुआ है, दिस इज अ नेशनल एलिमेंट बुता. यस, बुता मींस फ्लेम. फ्लेम एंड लव. फ्लेम एंड लव. ओके, यहाँ पे भी ट्रेडिशनल डिशेस मिल रही हैं. आई लव बाकू. हेलो यार अब्दुल मालिक भाई, ये जो मस्जिद अली वहाँ पे है मदीना में, बिल्कुल उस तरह का आर्किटेक्चर नहीं लग रहा इसका. हाँ, वो भी तुर्किश दौर से है ना. हाँ, तो इसलिए इसका आर्किटेक्चर. और ये बिल्कुल मस्जिद अली ऐसा देख के लग रहा है जैसे मदीना में आप जो मस्जिद है मस्जिद अली, बिल्कुल वैसे ही आर्किटेक्चर है भाई. ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर जो है ना वो नज़र आएंगे. यहाँ पे एक बिल्डिंग है 1908 की, ये बिल्डिंग बनी हुई है. और वो पीछे हमारा फ्लेम टावर जो है ना, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर वो भी नज़र आ रहा है. तो जब भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे खड़े होके एक पिक्चर ऐसे ज़रूर बनवाए भाई. ये जो पीछे हमारे बना हुआ है ना, ये है कारवान सराय. यहाँ पे जब कारवान चलते थे तो लोग यहाँ पे आके ठहरते थे. तो ये 12th सेंचुरी का होटल है. ओके भाई, जिस तरह आज के ज़माने में भी ट्रक अड्डे के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है ना, उस ज़माने में जो सबसे अच्छा शेफ होता था वो इस कारवान सराय में होता था. और ये चारों तरफ जो है वो यहाँ पे ये रूम्स बने हुए हैं. एक बीच में कोर्ट यार्ड है जहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, ट्रेड करते थे. और इसी तरह की सिमिलर चीज़ मुझे याद आ रहा है कि किस्सा खानी बाज़ार में भी जो ओल्ड हमारे कावा हाउस बने हुए हैं, वहाँ पे भी एक बीच में बहुत बड़ा सा इस तरह का कोर्ट यार्ड था जहाँ पे जो है ना खुली स्पेस थी. तो वो भी उस टाइम का कारवान सराय होता था. किस्सा खानी बाज़ार हमारा किस्सा, इसी तरह ये कारवान सराय जो है वो ये अज़रबैजान के अंदर यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है भाई. ये जो मेडिन टावर है, इसका यहाँ पे टिकट लेंगे हम, और टिकट लेके इसके ऊपर जाएंगे. और यहाँ से जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है पूरे सिटी का भाई. यहाँ पे पूरा ओल्ड सिटी का ये मैप बना हुआ है. और यहाँ पे जो मेडिन टावर है वो भी नज़र आ रहा है. यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई ये किस तरह का पूरा, जिस तरह वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर है और जो पेशावर है वो भी एक वर्ल्ड सिटी है, उसी तरह ये जो बाकू का ओल्ड टाउन है ये भी एक वर्ल्ड सिटी था. और इसकी भी दीवारें में जो है ना वो नज़र आती हैं. लेकिन ये पूरा जो है ना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है, और बाय वॉक इसको आप डिस्कवर करें. चलें जी, अब हम ज़रा ऊपर चलते हैं. यहाँ पे भी आके मुझे जो है ना वो गलाटा टावर वाली फील आ रही है. They used it as a defense castle, defense tower, because its walls very thick. Okay, let's go. हर फ्लोर पे हम जाते जा रहे हैं. हर फ्लोर के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है. म्यूजियम से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे हिस्टोरिक हैं वो रखी हुई हैं. सारी डिटेल्स यहाँ पे बताने के लायक नहीं है, क्योंकि ये जगह है वर्थ विजिटिंग. क्योंकि अगर आप आएंगे तो ही आपको इस जगह की फील आएगी. वीडियो के अंदर ऑब्वियसली इतनी सारी डिटेल्स नहीं आ सकती जो आप यहाँ पे आके खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये भी क्लोज है. ये बोला चट वाला यार 20th सेंचुरी. हम मेडिन टावर में हैं. ये 15th सेंचुरी का टावर है. ओरिजिन इसका अभी भी अननोन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पूरी यूज़ हो रही है. तो होलोग्राम्स के थ्रू जो है ना वो सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं. ओके भाई, ऊपर पहुँच गए हम. और यहाँ से अभी जो व्यू आएगा ये चेक करो. यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ओल्ड टाउन, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मॉडर्न बिल्डिंग्स. भाई ऊपर आ गए हम, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से मंजर आपको नज़र आता है. बाकू का मॉडर्न बाकू भी नज़र आता है, ओल्ड टाउन भी नज़र आता है, फ्लेम टावर्स भी नज़र आ रहे हैं. और इस तरफ आपको ये कैस्पियन सी
जो है वो भी पूरा आपको यहाँ पर से नजर आ रहा है. दिस नेशनल एम्ब्लेम ऑफ अज़रबैजान, यू सी 8-point स्टार एंड द फायर्स इन द सेंटर विद द फ्लैग ऑफ अज़रबैजान, आई मीन द कलर्स ऑफ द अज़रबैजानी फ्लैग. And they constructed recently a new building in the Caspian Sea, and this is a new shopping mall. भाई हर जगह जब आप टूर पे जाते हैं ना तो इस तरह की शॉप्स के ऊपर लेके जाया जाता है जहाँ पे उनके ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं. सोवीनियर शॉप है ये, तो यहाँ से आप बड़ी यूनिक चीज़ें मिलती हैं ऐसी जगहों के ऊपर. तो जो चीज़ भी आपको पसंद हो, यहाँ पे कटलरी भी है, क्रॉकरी है, ट्रेडिशनल कारपेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो जो आपको पसंद आए आप वो ले सकते हैं. ये जो जगह थी ना, ये पूरी हमाम थी. ये सेंटर के अंदर आप देखें, ये पूरा ये इन्होंने अभी तुर्क क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, लेकिन अब ये शॉप में कन्वर्ट हो गया है. भाई ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक लास्ट जो थे ना साथी थे, सेंट बर्थोलोमियो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे तबलीग के लिए आए. लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो ज़ोरास्ट्रियंस थे, यानी कि आतिश परस्त थे. तो उन्होंने कहा कि ये उनका रिलीजन चेंज करना चाह रहे हैं, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया इस जगह के ऊपर. यहाँ पर उन्होंने उनको कत्ल कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे चर्च भी बनाया था. जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने इस जगह पे आते हैं, क्रिश्चियन यहाँ पे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं. और जो रशियंस थे उन्होंने 1936 में यहाँ पे जो चर्च था उसको भी डिमोलिश कर दिया था. ये जगह भी जो है ना वो बहुत ही हिस्टोरिक है. पे आपको क्रिश्चियनिटी भी मिलेगी, उसी के पीछे एक एंशियंट मॉस्क है. ज़ोरास्ट्रियंस का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है. तो भाई ने अभी यही बताया जमील ने कि ये बिल्कुल जिस तरह इसराइल है उसी तरह की हिस्ट्री यहाँ बाकू में भी है जो आपको नज़र आ रही है. बाकू के अंदरून से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं भाई. पतली पतली गलियाँ, भूल भुलैया, ठंडा ठंडा मौसम, शानदार. 1000 साल पुरानी तकरीबन मस्जिद है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉस्क, जबकि ये बिल्कुल लिखी हुई है आयतुल कुर्सी. पीछे वाला गेट है ये पैलेस का, फ्रंट गेट की तरफ हम जा रहे हैं. अब हम जा रहे हैं भाई सैयद जाहिया बखूबी, एक सूफी बुजुर्ग हैं, उनके मज़ार की तरफ. ये ट्रेडिशनल यहाँ पे जो है ना वो कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस जो अज़रबैजान के होते हैं वो यहाँ पे पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं जो आप पहन के पिक्चर्स भी बनवा सकते हैं अज़रबैजान के ट्रेडिशनल, और जो पुराने ज़माने में ड्रेसेस होते थे. नंबर पहला इनका है, ये किंग बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और अभी मैंने ऑर्डर्स देने हैं. अगर जंग लग गई तो ये इधर तलवार चलाएंगे भाई. सुल्तान तो वो बन गए हैं, अब हम जरा दूसरे सुल्तान बन जाएंगे. ये टोपी पहनी है आई थिंक, ये चीज़ रे सुल्तान भाई. ये जो है ना आप तलवारों This one. ये भाई लेके बैठे हुए थे तलवारें, हम लेके आ गए बंदूक, और ये सुल्तान को जो है ना गोली से उड़ा के, ये अभी मेरी सल्तनत लेने वाले हैं, उड़ा के हम दिस, दिस, ओ, ओ, now I'm the king. Now I'm the king. लंच के लिए हम आ गए हैं भाई नातवा रेस्टोरेंट के अंदर, और ये ओल्ड टाउन के अंदर ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे अभी हम बैठेंगे, लंच करेंगे. एक तो एम्बियांस बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और यहाँ से जो है ना ये पूरा आपको ज़बरदस्त व्यू आता है समंदर का भी, ओल्ड टाउन का भी. तो यहाँ बैठ के खाना खाने का जो मज़ा आएगा उसकी बात ही और. ओके भाई, हमारा जो है एपेटाइजर्स आ गए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त से सैलड्स आए हैं यहाँ पे, और लैक्टिन सूप आया है. लेकिन मैं सबसे पहले इसी को टेस्ट करता हूँ. बिस्मिल्लाह. मज़ेदार, थोड़ा सा ये मैं स्क्वीज करता हूँ इसमें. बहुत मज़ेदार. थोड़ा सा सैलड ट्राई करते हैं भाई. ऑलिव्स हैं, चीज़ है, टोमेटोज़ हैं, फ्रेश सैलड है, बहुत ही मज़ेदार. और इसलिए हम ये ट्रेडिशनल ब्रेड लेते हैं भाई, और इसके साथ ये जो चीज़ है
मज़ेदार। और इन चीज़ों के साथ आप लैंटन सूप का एक सिप लेते जाएं तो मज़ा ही आ जाए, क्या बात है। ओके भाई, मेन कोर्स आ गया है हमारा गोवर्मा। गोवर्मा जो है वो एक मीट की डिश है और इसके अंदर जो है वो मशरूम्स में नज़र आ रहे हैं, टोमेटोज भी हैं, कुछ हर्ब्स भी हैं। आई थिंक दिस इज लैम। मज़ेदार। गोवर्मा एक नया टेस्ट है, एक नई डिश है फॉर मी। मीट जो है ना वो उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि कुछ सॉलिड गोश्त नहीं है, थोड़ा सा फैट के साथ सारा मिक्स हुआ हुआ है, तो जो फैट के जूसेस हैं वो भी इसके अंदर में फील हो रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। वेरी नाइस। थैंक यू। दिस इज ऑल्सो नॉन यस। Nice. This is Georgian lemonade. और नाशपाती का लेमनेड है ये। पास थोड़ी सी सॉकर खेली बच्चे के साथ, तो ज़रा सर्दी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है यार कि बाहर तो ठंड है, अंदर कहीं भी जाओ जैकेट उतारनी पड़ जाती है, तो भाई आप क्यों नहीं एंजॉय करोगे। फिर मस्जिद के अंदर हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाह। ठंडा यह पानी हो रहा है भाई, लेकिन इसमें भी जो वज़ू का मज़ा है ना, तो रूह ताज़ा हो जाती है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है भाई ये। मन कंतु मौला अली मौला। चले जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी आतिशकदार फायर टेंपल में अभी हमें लेके जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है ना ये गाड़ी में बैठ के फिर हमें जाना पड़ेगा। हम आ गए हैं भाई आतिशकदा पे। ज़ोरोएस्ट्रियन जो आतिश परस्त लोग थे उनका ये एंशियंट टेंपल है। आग यहाँ पे बुझ चुकी है, लेकिन टेंपल जो है वो हिस्टोरिक यहाँ पे मौजूद है। विज़िट करते हैं भाई। ये पूरा जो है ना वो फायर टेंपल है। यहाँ पे एक बड़ी फायर चल रही है, और यहाँ से आप आगे आएँ तो यहाँ पे जो है वो ये छोटी छोटी फायर यहाँ पे भी जल रही है। ये पूरा जो है वो फायर टेंपल है, और टेंपल वाली ही पूरी फील है। वर्शिपर्स यहाँ पे आते थे, और ऑब्वियसली ये फायर की यहाँ पे जो है वो आग की यहाँ पे पूजा परस्तिश की जाती थी। दिस इज आवर हिंदू टेंपल। Yeah, in some rooms you can see, because I told you this is a Atishgah. Yeah. The fire temple. It's not an only Zoroastrian temple. Parsis and Hindus, they live together. They let's say pray together. भाई जो ज़ोरोएस्ट्रियंस होते थे ना, उनकी भी लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती थी, और जो जिसकी लंबी दाढ़ी होती थी वो विजडम की निशानी हुआ करती थी, क्योंकि ये जो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन है ये क्रिश्चियनिटी से भी पुराना रिलीजन है। भाई मगरिब भी हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है, और अंधेरे के अंदर ये आग बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ से हम निकलेंगे और अब हम जाएंगे फेयरमोंट होटल पे, जो फ्लेम की शेप की जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है ना, उसी में वो फेयरमोंट होटल है, उसको हम विज़िट करेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे। फेयरमोंट होटल के इंस्पेक्शन के लिए बेसिकली हम आए हुए हैं। बहुत ही ह्यूज होटल है ये, और जो जैसे कि मैंने बताया जो फ्लेम टावर्स हैं उनमें से एक ये होटल है। अभी हम होटल का विज़िट करेंगे और इसके टॉप फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ से एक बड़ा खूबसूरत व्यू आएगा उसको देखेंगे, लेकिन पहले आप ये तो देखें। और वहाँ पे एक आंटी जो है ना वो खूबसूरत सा पियानो बजा रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पियानो बजा रही हैं, ज़रा उसको भी देख लेते हैं।
भाई 7 मिलियन यूरोस का पियानो बजाने का मौका ज़िंदगी में कभी कभी मिलता है. लेट्स मी स्टार्ट. अगर आपने पहचान लिया कि मैंने ये कौन सी ट्यून बजाई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. लेट मी ट्राई इट वंस अगेन. I can't do it. फिल्म ऑन आने के बाद ज़रा ये कॉफ़ी का सेशन चल रहा है. कैपुचिनो. हम जा रहे हैं अभी रॉयल सूट का जो है ना विजिट करने के लिए, जिसकी पर नाइट प्राइस है 11,000 यूरोस. रॉयल सूट, दिस इज लिविंग रूम. हम 28th फ्लोर के ऊपर है भाई, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना पूरे बाकू का, इंतहाई खूबसूरत. पूरी लाइट्स लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ज्यूल्स जो है ना वो हर जगह पड़े हुए हैं. ये जो फ्लेम टावर्स हैं इनके दो टावर ये हैं, तीसरे में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, और बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ से भाई. ये पूरा रॉयल सूट हमने विज़िट किया है अभी, और ख़ूबसूरत इंतहाई से ज़्यादा है. ये चारों तरफ से पूरे बाकू का यहाँ पर नज़ारा हमें नज़र आ रहा है. 11,000 यूरोस इसकी प्राइस है. ऑब्वियसली ये रॉयल सूट है तो कोई प्रेसिडेंट टाइप की चीज़ ही यहाँ पे रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो मीटिंग हॉल भी है, ऑफिस भी है. मतलब लफ्ज़ों में बयान हो नहीं सकता ये जो ग्रैंडनेस है ना इस पूरे सूट की, सिंपली अमेजिंग. 24 ऊपर देखा भाई हमने रॉयल सूट, और उसकी जो प्राइस थी वो थी 11,000. ये है कैस्बियन सूट, ये थोड़ा छोटा है, इसकी प्राइस है 3,500 यूरोस पर नाइट. ये भी काफ़ी ग्रैंड है, इसमें भी किचन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से जो सारी चीज़ें ना सारे पैसे जो हैं वो इस व्यू के हैं जो थ्रू आउट इन फ्लेम टावर से जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है. क्या बात है. हेलो हेलो चले चले चलो भाई, अब फाइनली हमारा डे एंड होने जा रहा है, और हम जा रहे हैं अब डिनर के लिए ओल्ड टाउन में, जहाँ से सुबह हमने स्टार्ट किया था, रात को एंड भी हम वहीं पर करेंगे. Hello sir, how are you? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You are looking great. Hello. भाई दोपहर में जितना ये खूबसूरत लग रहा था कारवान सराय, रात में उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. यहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई हुई है, एम्बियंस बहुत ही आला है. भाई एपेटाइज़र के अंदर जो है ना ये काफ़ी सारे सैलड्स आए हुए हैं, और साथ में बेजल ड्रिंक है. ये भाई ने तो ख़त्म भी कर दिया है. नहीं नहीं है, है. नहीं भाई इल्ज़ाम ना लगाओ मैंने. अच्छा है, है, है. मज़ेदार है, बहुत मज़े का. भाई यहाँ पे शेफ़ ने आके जो है ना वो पूरी ये डिश जो है वो सर्व की है हमको. इसका नाम है मटन सबात या लैम्ब सबात. इसके अंदर पोटैटोज़ हैं, डिफरेंट टाइप के आज़रबाईजानी सॉसेज हैं, नार का सॉस भी है इसमें, यानी कि अनार का सॉस भी है, और दो तरह के डिफरेंट सॉसेज हैं. बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको सारी जो रिब्स थी उनको चॉप किया, बोटियाँ बनाई, और उसके बाद फिर ये डिश के अंदर सर्व किया गया है. लुक्स अमेजिंग. और मेनली यहाँ पर जो है ना वो सैलड इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मील. हाँ, ये सैलड हमें सर्व किया है उन्होंने. बिल्ला. अच्छा भाई ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड जो है ना वो ये भी सर्व की गई हैं, और वो स्लाइड सैलड के साथ खाने के लिए ही है. बहुत ही खट्टा चटपटा सा टेस्ट है इसका. वैसा चटपटा नहीं कि मिर्च मसाले वाले हो. रिफ्ट के ऊपर हाथ नहीं रुक रहा भाई. भाई इसके अंदर ये देखें आप, बेक्ड पोटैटोज़ है, और जो रिब्स है ना ये तो तकरीबन अब फारिग हो चुकी है. इंतहाई टेंडर मीट, मज़ेदार, और जो फैट के साथ ये टेस्ट दे रही है ना, स्पेशली जो इन्होंने इसके ऊपर सॉसेज डाले हैं. असल में हम लोगों की आदत है कि मल्टीपल डिशेस हो मीट की, दे एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये सैलड की डिशेस हैं, ये भी एक मेन कोर्स में काउंट होती है. साथ में प्रोटीन के तौर पर ये मीट की डिश है. मज़ेदार भाई. इतना सारा यहाँ पे सैलड था कि ये जो पिकल्स वाली ट्रे है ना ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है, और हम लोग जो है वो मीट के ऊपर लग गए, क्योंकि हम लोग हैं ही गोश्तखोर. लेकिन ये मैं एक पिकल इसके अंदर से लेता हूँ भाई. भाई ये थोड़ा सा मीट और
उसके साथ थोड़ा सा ये पिकल और ये दोपहर में भी हमने भाई ये नाशपाती वाला ड्रिंक किया था, ये जॉर्जियन लेमनेड है। ओवरऑल भाई मज़ा ही आ गया, स्पेशली जो एम्बियंस था और जो प्रेजेंटेशन थी फूड की, स्पेशली द सैलड्स, ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग। हमारा ग्रीन टी का तरीका होता है ना कि वो गुड़ को आप रख लेते हैं और हल्के हल्के सिप लेते रहते हैं, उस तरह से ही इसका तरीका है कि आपने थोड़ी सी जो है ना वो शुगर ले ली और कावा इस तरह से आप पीते जाएं। ये भाई ऑलिव है और ये बेबी वॉलनट है, यानी कि जब अखरोट कच्चा होता है ग्रीन होता है तो उसको लेमन के अंदर करके प्रोसेस करके उसके बाद फिर ये जैम बनता है। और इस जैम को भी फिर ज़रा टी के साथ इंजॉय करना है आपने। ये हमें इंजीर अभी दिया लैला ने। सुभानअल्लाह। ओके भाई खाना हमारा ख़त्म हो गया है, अब जाने की तैयारी है। और ये जो लैम्ब की जो डिश थी स्पेसिफिकली, इसकी प्राइस थी अराउंड $60, 110 मनात। जो गाइड्स हैं हमारे, जो हमारी टीम है, वो हमें यहाँ पे लेके आई है और उन्होंने बताया कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिकॉज ऑफ द एम्बियंस, लाइव म्यूज़िक, और वाकई टेस्ट बहुत मज़ेदार था। अज़रबैजान आए, बाकू आए तो ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फ्रेम कितना अच्छा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़बरदस्त।